नमस्कार भाई, आज मैं आप लोगों को बॉयलर मुर्गी को FBI टीका कैसे लगाते हैं ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये बॉयलर की आंखों में आज हम ये टीका लगाएंगे। वैसे तो बॉयलर के आंखों में, नाक में या फिर पानी में भी ये टीका लगा सकते हैं। आप लोग नए फार्मर हैं, जो भाई लोग हैं उन लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आँखों में कैसे टीका लगाया जाता है और आँखों में ही क्यों लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ब्रॉयलर मुर्गी को आँख में या नाक में पहला टीका लगाना चाहिए। यह रानीखेत और अन्य बीमारी जैसे होते हैं बैक्टीरियल बीमारियां, उससे राहत देती है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे पास 3000 डोज का टीका रखा हुआ है, जिसमें एक 2000 का है और एक 1000 का है। और ये इसका डिस्टिल वाटर है, ये एक है और 2000 का है और एक 1000 का है। हम इसको इसमें डिस्टिल वाटर में इसको दोनों को मिलाएंगे और साथ में मिलाकर इसको साथ में बड़े वाले में भरकर रख देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये भाई अपना मिला रहा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे मिलाना है और इसको कैसे करना है। ये पहले इसका ढक्कन खोल रहे हैं, इसमें एक एल्युमिनियम का एक खास किस्म का ढक्कन लगे रहता है, सील पैक रहती है ये, तो इसको धीरे से निकालना पड़ता है। अपना भाई ये सब में एक्सपर्ट है, इसलिए ये कर लेता है जल्दी जल्दी। आप लोग जब भी करें तो ध्यान दीजिएगा और टीके को कभी बाहर मत रखिएगा। कभी भी आइस का ट्रे एक साथ में रखिएगा और आइस का ट्रे में ही हरदम टीके को रखिएगा। टीका हरदम ठंडा रहना चाहिए और डिस्टिल वाटर भी ठंडा हो रहना चाहिए। ये देखो, ये डिस्टिल वाटर डाल रहे हैं टीके में। अब इसका ढक्कन बंद करेंगे और अच्छे से शेक करेंगे इसको। जब भी कोई यूज़ करे तो हाथ उठ को अच्छे से सैनिटाइज कर ले, उसके बाद ही टीके का कार्यक्रम चालू करे, ताकि मुर्गियों को कोई बैक्टीरिया या कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ये दूसरा टीका है, भाई डाल रहे हैं उसमें स्टील वाटर। वैसे तो इसको बहुत बड़े बड़े फार्मर भाई लोग पानी में भी देते हैं और इसको पानी में भी दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि सभी चूजे आपका ये पानी पी ले, ताकि सभी को टीका बराबर लग सके। लेकिन आँखों में देने से एक फ़ायदा है कि आप अपने हर चूजे का कन्फर्म में टीका कर चुके हो, ये पता चल जाता है। और आँखों में करने से और एक फ़ायदा है, जो चिक्स आए रहते हैं उनकी गिनती भी हो जाती है, ये बराबर है या नहीं 7 दिन में, ये भी एक चीज़ इसमें नोटिस है। देख रहे हैं ये भाई इसको अच्छे से हिला रहे हैं, अच्छे से मिलाना पड़ता है उस टीके को स्टील वाटर से। मिला के रख दिया है ये, अब टीका ऑफ करेंगे हम। भाई लोगों, टीका करते समय इत्मीनान से शाम के टाइम टीका करना चाहिए, ताकि रात का जो माहौल ठंडा माहौल रहे, उस माहौल में चिक्स रह सके, क्योंकि टीका करने के बाद ठंडा माहौल होना चाहिए। ये टीका वैसे 4 से 7 दिन के बीच में कर देना चाहिए, हम लोग 7वें दिन में कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चिक्स जब आया था थोड़ा छोटा था और उसका वेट थोड़ा कम था, इसलिए थोड़ा लेट में कर रहे हैं। जो चिक्स 40 ग्राम का आता है या 42 ग्राम का आता है, उसको 5वें दिन में या 6वें दिन में टीका कर देना चाहिए। टीके को पूरी तरह बोतल में मिलाने के बाद उसको डिस्टिल वाटर में डालें और बड़े बोतल में मिला के रख लीजिए। इससे क्या होगा, आप जब जब भी डालेंगे तो उसमें से निकाल सकते हैं। और ये देख सकते हैं, इसके लिए डालने के लिए एक छोटा सा मेडिकल में उसका एक बोतल निप्पल आता है, जो आप की दवाई को एक एक बूंद गिराता है, उसको आप ले लीजिएगा और टीका कर सकते हैं। देखिएगा मैं कैसे टीका कर रहा हूँ।
बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है ये छोटे में, छोटी मुर्गियों को करने में आसानी होती है ये, और अपने भाई लोग थोड़ा एक्सपर्ट हैं इसलिए जल्दी हो जा रहा है। ये टीका आप लोगों के लिए फायदेमंद है, वैसे तो मुर्गियों को 2 से 3 टीका तो करना ही चाहिए, फार्मर भाइयों को 3 टीका अवश्य करना चाहिए। टीका करने से बहुत सारी बीमारियों से राहत होती है, अधिकांश तो होती नहीं है बीमारी, जब भी होए तो फिर छोटी मोटी बीमारी होती है जिसको आदमी कंट्रोल कर पाता है, और टीका ना करके पालने से बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए 3 टीका ब्रॉयलर मुर्गी को तो करना ही चाहिए। इससे आपको अच्छा ग्रोथ, ये आप देख सकते हैं डिस्टिल वाटर है, दवाई मिला के रखे थे।